हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके 3D ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं फोटोशॉप के बिगिनर ट्रेनिंग की वीडियो सीरीज। अगर आप फोटोशॉप के लिए नए हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो सीरीज को क्लास नंबर 1 से देखें, ताकि आप फोटोशॉप पूरी तरीके से अच्छे से सीख जाए और इस बिगिनर ट्रेनिंग का पूरी तरीके से आप फायदा उठा सके। और ये हमारी क्लास नंबर 17। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए इस वीडियो में की। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। तो ग्रेडियंट टूल आपको मिलेगा इरेजर के नीचे। आप यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपको ग्रेडियंट टूल दिखाई देगा, और उसके नीचे है पेंट बकेट टूल। तो दोनों भी हम सीखेंगे, पर पहले हम सीखेंगे ग्रेडियंट टूल। ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल पे हम जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे ग्रेडियंट्स के, और अलग अलग स्टाइल्स है ग्रेडियंट्स के। यहाँ पे मोड और ओपेसिटी सब हम एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। तो ये सब देखने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू। ठीक है, जो भी आपको साइज़ रखना है आप रख सकते हो, या तो आपको ये सेम साइज़ रख के फाइल क्रिएट करना है तो आप ये सेम साइज रख के फाइल क्रिएट कर दीजिए। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके, और एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। तो जो भी हमारा पहला ग्रेडियंट होता है यहाँ पे, वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा, और मैं बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो पहला जो भी ग्रेडियंट है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों से बना हुआ होता है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट दिखाता हूँ इस ग्रेडियंट का यूज़ करके। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट है, आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो क्लिक एंड ड्रैग करना है। अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करना है। उसके बाद आप क्या कर दो, क्लिक एंड ड्रैग कर दो और फिर छोड़ दो, तो ये ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अंडू करता हूँ मैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टली करना है तो भी सेम प्रोसेस है, डायगोनली करना है तो भी क्लिक एंड ड्रैग करो। स्ट्रेट चाहिए होगा आपको, एक एंगल में चाहिए होगा तो शिफ्ट प्रेस करें तो ये 45 डिग्री पे स्नैप हो जाएगा। छोड़ देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट के लिए भी आपको सेम क्लिक एंड ड्रैग ही करना है। क्लिक एंड ड्रैग किया तो ऐसा एक सर्कुलर शेप बन जाएगा बीच में। ठीक है, अगर आप बड़ा की ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ये जो सर्कुलर शेप है उसका साइज़ बड़ा आएगा। जितना बड़ा ड्रैग करेंगे उतना बड़ा उसका साइज़ आ जाएगा। उसके बाद एंगुलर। ठीक है, एंगुलर के लिए मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये ऐसा एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, जहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कलर। ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो पहला कलर जो आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, और उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है रेड कलर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारा रेड है, उसके बाद ब्लू है। ठीक है, तो उल्टा आ रहा है। उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे हमारा जो रिवर्स ऑप्शन है ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी बराबर आ जाएगा, पहले रेड आ जाएगा फिर ब्लू आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वैसे हो रहा था, पहले रेड आना चाहिए था फिर ब्लू आना चाहिए था, तो उल्टा आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था। तो आपको चेक करना है आपका ऑप्शन ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट में आपको स्क्वायर शेप आ जाएगा, यहाँ पे डायमंड की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये थे अलग अलग ग्रेडियंट के स्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमें खुद का ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ, और इसमें और एक सेकेंड जो ग्रेडियंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये वाला ग्रेडियंट लेता हूँ और डायमंड लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और क्रिएट करता हूँ तो सिर्फ डायमंड शेप क्रिएट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कलर है, उसके बाद जो नेक्स्ट कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो सिर्फ डायमंड क्रिएट होगा। तो ऐसा आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप सेकंड वाला यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी अगर हमको कलर चेंज करना है तो कैसे करना है, या तो न्यू ग्रेडियंट बनाना है तो कैसे बनाना है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सबको मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ पे। और कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। और खुद का अगर बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपको ग्रेडियंट एडिटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कैसे करना है हमें कि खुद का जो भी ग्रेडियंट है आप पहले बना लो उसको,
ठीक है, जो भी आपको कलर्स अच्छे लगते हैं आप ऐड कर दो अपने ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, मैं ऐसे रैंडम कलर्स ले रहा हूँ। ठीक है, और एक चाहिए होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक क्रिएट होता है, नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, या तो सेम कलर चाहिए तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है। ठीक है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाए, ऑल्ट एंड ड्रैग करें। ठीक है, ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका ज़रा भी साइड में क्लिक होगा तो ऑल्ट करेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन ऑल्ट एंड ड्रैग करना है, कॉपी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने इतने सारे ये छोटे छोटे फिलर्स क्रिएट कर लिए, इसके अंदर मुझे कलर चाहिए अलग अलग, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा और अलग अलग कलर्स ऐड करते जाऊँगा इसमें। ठीक है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ कलर्स क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे ये काम करता है, कैसे इसका हमें यूज़ करना है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको कलर अच्छे लगते हो आप ले सकते हैं। और मैं सिंपली इसको अभी मेरा जो भी ग्रेडियंट है वो पहले मैं क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नाम दूँगा उसको कि ठीक कलर्स नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप जो है वो सॉलिड रहेगा, ठीक है, और स्मूथनेस जो है वो 100 रखना है यहाँ पे, और मैं कर दूँगा न्यू। तो ये मेरा जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, इसको मैं ओके कर दूँगा तो वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, तो आप सब में चेक कीजिए कैसे दिख रहा है इसका इफेक्ट, लीनियर में, रेडियल में, मैं इसमें चेक करता हूँ ऐसा दिख रहा है एंगल में। ठीक है, तो आपको जिसमें अच्छा लगता है आप चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रेडियंट टाइप सॉलिड रखा है, यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिया है नॉइज़ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे नॉइज़ रखूँगा तो ऐसे दिखाई देगा ये। और इसमें मैं यहाँ पे एचएस भी रखता हूँ। ठीक है, ये जो ब्राइटनेस है इसको बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको रैंडमाइज़ करूँगा तो अलग अलग कलर्स आते रहेंगे यहाँ पे, तो जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम जो भी कलर्स हमें अच्छे लग रहे हैं वो हमको यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसको लेके आप नाम दे दो यहाँ पे नॉइस सैंपल और न्यू कर दो यहाँ पे, तो ऐड हो जाएगा, ओके कर दो, फिर आप ऐसा एक कूल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसको एज अ बैकग्राउंड वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं आपके किसी भी आर्ट वर्क के लिए या किसी भी डिज़ाइन के लिए, अलग अलग स्टाइल्स में अलग अलग दिखेगा ये। ठीक है, तो ये तो हमने खुद क्रिएट किए, और अगर ये हमको जो भी हमने क्रिएट किया है, ठीक है, इसमें मुझे और भी ऐड करने हैं ग्रेडियंट्स, तो इसमें रेडीमेड भी सैंपल्स है फोटोशॉप में, अगर वो मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, समझो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सैंपल्स नॉइस सैंपल्स ले लूँगा, और यहाँ पे अगर मैं ओके कर दूँगा तो क्या हो जाएगा कि ये निकल जाएगा और इसके बदले नॉइस सैंपल आ जाएगा, और मुझे इसके अंदर ही ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि अपेंड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अपेंड पे क्लिक करूँगा तो इसी में ऐड हो जाएगा, ओके कर दूँगा तो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपेंड पे क्लिक करता हूँ तो इसी में ऐड हो गया, तो अलग अलग टाइप के नॉइस सैंपल्स यहाँ पे ऐड हो गए। हम चेक करेंगे तो इसमें से जो भी हमें अच्छे लगते हैं उसका यूज़ करके हम कुछ भी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा हमने एक ग्रेडियंट्स क्रिएट किया हुआ है, तो इसको समझो हमें सेव करके रखना है ताकि मैं जब भी ग्रेडियंट यूज़ करूँ तो ये पैलेट मुझे दिखना चाहिए और ये सेव रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आके आप सेव ग्रेडियंट्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, समझो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, न्यू ग्रेडियंट्स नाम दे दिया मैंने यहाँ पे और सेव कर दिया।
तो ये मेरा जो भी ग्रेडियंट्स का प्रीसेट है वो मेरा सेव हो गया हमेशा के लिए। और अगर मैं यहाँ पे रीसेट भी कर दूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सब चला गया, ठीक है। और अब मुझे वापस चाहिए मेरा जो भी मैंने प्रीसेट बना के रखा था। तो आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हो आप कुछ भी अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे वही लोड करना है पैलेट वापस जो मैंने ग्रेडियंट्स बनाए। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और लोड पे क्लिक कर देना है, न्यू ग्रेडियंट्स और लोड। तो मेरा जो भी ग्रेडियंट्स था वो वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं भी आपको ये, ठीक है, मैं यहाँ पे रेनबो कलर लेता हूँ और यहाँ पे एंगुलर ग्रेडियंट लेता हूँ। सो क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ऐसे में क्रिएटिवली कुछ भी एक आप बैकग्राउंड बना सकते हैं इससे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे न्यू लेयर लेते हो और यहाँ पे आपको मोड दिया हुआ है, ठीक है, अब ये नॉर्मल मोड में ऐसा दिख रहा है। अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ और मोड चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई रखता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो रहा है, कलर बर्न में कुछ नहीं हो रहा है, लीनियर बर्न में कुछ नहीं हो रहा है, लाइटन में भी कुछ नहीं हो रहा है, स्क्रीन में, ठीक है। मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मोड चेंज कर रहा हूँ तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको इस पे दूसरा ले लेता हूँ ग्रेडियंट और फिर देख सकते हैं आपकी अभी इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, पीछे ग्रेडियंट दिख रहा है और यहाँ पे जो मैंने अभी अप्लाई किया वो मिक्स हो रहा है थोड़ा सा। तो अगर मैं इसी लेयर पे रह के अगर ये वाला अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मिक्स हो रहा है एक दूसरे के साथ में। वैसा हम कुछ बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं ग्रेडियंट का यूज़ करके। और अगर आपको अप्लाई करने के बाद अगर इसका यूज़ करना है, आपको क्या करना है, सिंपली आप ग्रेडियंट अप्लाई कर दो और यहाँ पे आपको लेयर में भी मोड्स मिलता है, इसमें आप चेंज करते जाओ, आपको अलग अलग टाइप का इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे आप हर एक कलर ऑप्शन के साथ और हर एक ग्रेडियंट स्टाइल के साथ चेक कर सकते हो खुद से, आपको एक नया कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा जो आप अपने आर्टवर्क में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें ओपेसिटी दी है, 100% ओपेसिटी पे ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये फेंट हो जाएगा, तो फेंट वगैरह करके यूज़ करना है तो आप ओपेसिटी कम करके यूज़ कर सकते हो। और अभी जो कलर है रेड एंड ब्लू है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये ब्लू एंड रेड आ जाएगा। तो जैसे भी हम चाहिए हम रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेडियंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है ग्रेडियंट। और इसमें और भी रेडीमेड ग्रेडियंट्स है, ठीक है, इसमें कलर्स ऑलरेडी फोटोशॉप ने स्टाइल्स क्रिएट करके रखा है कलर का। तो आप इसको चेक कीजिए एक बार अपेंड कर करके, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेडियंट्स, अभी मैं आपको पेंट बकेट टूल सिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। और पेंट बकेट टूल कैसा होता है कि सिंगल कलर आएगा, जैसे ग्रेडियंट में कैसे था अलग अलग कलर्स आता था, तो पेंट बकेट टूल में सिंगल कलर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे कलर होगा वो डायरेक्टली पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको टॉलरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो भी सिमिलर कलर का पिक्सल्स होगा इस इमेज में उसमें वो दूसरा कलर ऐड करेगा। अभी यहाँ पे ब्लू कलर है तो मैं क्या करता हूँ इससे थोड़ा सा सिमिलर कलर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अगर मैं अभी पेंट बकेट से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी सिमिलर पिक्सल्स है, मतलब अभी वाइट कलर है यहाँ पे,
जहाँ जहाँ पे सिमिलर वाइट कलर रहेगा उसके अंदर ये ब्लू फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बार हम क्लिक करेंगे उतने बार ये फिल होते रहेगा, तब उतने एरिया में। ठीक है, तो ये इतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा, तो ये इसका लिमिटेशंस है, तो ये ऐसे इमेज पे काम नहीं करेगा। तो मैंने फिर भी दिखाया इसका यूज़, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, हम अलग अलग इमेजेस पे दिखाता हूँ मैं आपको यूज़ करके कैसा काम करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो ये जो टूल है पेन बकेट टूल, ये जिस इमेजेस में ज़्यादा कलर होंगे वहाँ पे इसका आप ऐसे यूज़ करोगे तो इसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसका एक्यूरेट अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आप ऐसे इमेज में यूज़ करो कि जिसमें कलर्स कम हो और इसका यूज़ इजीली आप कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ किया तो इतना इसका कुछ रिज़ल्ट पर्टिकुलर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, सेम सिमिलर पिक्सल्स हैं वहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो इसका एक्यूरेट यूज़ कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है, मैं एक इमेज ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉलरेंस पे ध्यान रखना है, टॉलरेंस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना पूरे इमेज पे कलर आ जाएगा। तो ये एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर चेंज करना है तो आप देख सकते हो कि ये जो डिज़ाइन है इस पे कलर्स स्पेसिफिक कलर्स है सब जगह पे। तब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है, यहाँ पे ऑफ वाइट कलर है, तो किसी भी एक में डायरेक्ट कलर दे दूँगा तो डायरेक्टली वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इमेज में हमें वो यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट आ जाएगा। समझो मुझे यहाँ पे कुछ और कलर चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे ग्रे कलर देना है, दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये परफेक्टली एकदम अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर देना है मुझे, बैकग्राउंड में ब्लू कलर का स्काई चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये एकदम ज़्यादा आ गया है। क्यों ज़्यादा आ गया है? क्योंकि यहाँ पे मेरा टॉलरेंस ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कम करके अप्लाई करूँगा। वैसा मैं धीरे धीरे चेंज कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है छोटा सा पतला, इसको जूम करके हम देख के ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाएगा तो आप ब्रश का यूज़ कीजिए और ब्रश का साइज़ आप ब्रैकेट से कम करके ऐसा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक यूज़ होगा, एकदम परफेक्टली कलर चेंज होगा। यहाँ पे समझो मुझे ये जो ग्रीन कलर है ट्रीज का, इसका थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए, तो मैं आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लेता हूँ पहले ये, और इसी में से डार्क कलर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेंट बकेट से ऐसा पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और ऊपर मुझे यहाँ पे लाइट कलर चाहिए, तो
ठीक है। तो इस तरीके से पेंट बकेट टूल का आप एक्यूरेट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपका जो डिज़ाइन है उसमें कलर्स कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमने इमेजेस यूज़ किए इसमें आप एक्यूरेटली इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेंट बकेट टूल का क्या यूज़ है और इसका आपको परफेक्टली अगर इसको काम में लाना है तो इमेज कैसी होनी चाहिए। कि जैसे कि ये इमेज है हमारी, इसमें एकदम कलर कम थे, या तो कोई लोगो वगैरह होगा जिसमें भी लोगो में भी कलर्स कम होते, दो या तीन ही कलर होते हैं, वहाँ पे अगर आपको एकदम कलर चेंज करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। आई होप आपको ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। और अगर आपको और ऐसे ट्यूटोरियल सीखने हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। आज के लिए इतना ही, अपने चैनल पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।